ऐसा कह नहीं कर ला तो जिन्हें यकीन है कोरोना यकीन ही बस गल खत्म हो गई बेटा कोई हुकूमत बेचारी क्या करे यार हुकूमत अकेली और वो पीछे पड़े हुए जो जलसे जुलसू वाले वो मैं क्या कह सकता हूँ उसके लिए। आखिरी सवाल करके जाना चाहूंगा मुझे ये बताएं कोरोना है भी कि नहीं है मगर ये फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ नहीं मैंने ये अभी खाना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 94 न्यूज़ में खुश आमदीद मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक इलाके उरीगा सेंटर में यहां के जो आम आवाम है उनसे बात करेंगे ये जो कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है इस मामला पे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके कारोबार पे और पे क्या असर पड़ा है और देखेंगे जो हुकूमत ने इनको SOPs के बारे में बताया ये उन पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं। आइए तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। मैडम ये जो कोरोना की वबा एक दफ़ा फिर जोरों शोर पे है इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं ये जो गवर्नमेंट ने अब स्कूल वगैरह बंद किए हैं ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और क्योंकि बच्चे जो हैं वो कैरियर थे ज़्यादातर वो घरों में लेके आ रहे हैं और उन पर इतना ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट नहीं कर रहा था। हमारी अपनी फैमिली में इसी तरह हुआ है हमारे घर में बच्चों की वजह से कोरोना बहुत फैला। अब जो गवर्नमेंट जलसों जुलूसों पे भी बंदी लगा रही है उसी वक्त ऑपोजिशन कह रही है कि जी आप एम कैट के एडमिशन दाखले वो एंट्री टेस्ट ना लें। एम कैट के जो लिमिटेड एरिया में बच्चों ने बैठना है और गवर्नमेंट उसमें SOPs का ख्याल करते हुए उनको डिस्टेंस पे बिठाएगी लेकिन जलसे जुलूसों में तो आपको पता ही है कि कोई भी SOPs का ध्यान नहीं करता तो इसलिए आई थिंक सो के लोगों को इस बारे में ख़ुद सोचना चाहिए। जो ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जब लोग बीमार होते हैं तो कोई भी किसी को पूछने नहीं आता तो वो अगर कोई कॉल करता है वो सही कहते हैं कि हम बुलाते हैं लोग ना आए तो मेरा ख्याल है वो आवाम को इस बात का थोड़ा सा खुद शऊर रखना चाहिए कि हमें अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगियां ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए तो जब हालात बेहतर हो जाएं तो बेशक अपोजिशन जो भी जलसे जुलूस निकालती है वो करे तो बाकी ये है कि फिर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर सारे बिजनेस भी बंद हो जाएंगे और फिर इकॉनमी पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा। शुक्रिया मैडम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक सवाल आपसे करना था ये जो कोरोना की वबा एक दफ़ा फिर जो है बड़ी ज़ोरों शोर से आई है इससे बच्चों के पढ़ाई को भी बड़ा मसला मसाइल हुआ क्या कारोबार पे भी इतना असर पड़ा है कि नहीं पड़ा? कारोबार तो बात की बात है सबसे पहले तो बच्चों का जो स्कूल है ना उस पर बहुत ज़्यादा मसला है बहुत असर पड़ा है बच्चे सारे ख़राब हो गए हैं। ऑनलाइन किसी का होता है किसी का नहीं होता है पता नहीं ऑनलाइन किस तरह पढ़ाता है हमें समझ नहीं आता है। ऑनलाइन की भी सर बात अभी हम कर रहे थे कि जो माली तौर पे ठीक है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे सकता है लेकिन जो गरीब बंदा है वो कहाँ से 12,000-15,000 रुपए का लैपटॉप ले फिर उसमें नेट पैकेज करवाए उस पर पैसे खर्चे तो ये तो मुश्किल है उसके बारे में आप क्या हुकूमत को कहना चाहेंगे? बिल्कुल हुकूमत से हमारा दरख्वास्त है कि बच्चों को छुट्टियाँ ना दे हाजिरी दिलवा दे काम दे दे घर में होमवर्क दे दे ताकि वो रोज़ अपना काम करे घर में बिल्कुल फारग ना रहे बच्चे बिल्कुल ख़राब हो गए। हुकूमत कहती है कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं घर में लेकिन मेरा ये मैं ये कहता हूँ कि जो ज़्यादा अथॉरिटी वाले बंदे हैं या पैसे वाले बंदे हैं वो तो ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों को दिला सकते हैं लेकिन जो आम आवाम है उनके लिए वो तो 10-15 हज़ार का लैपटॉप लेना उनके लिए ऊपर से फिर क्लास लेना ये मुश्किल है इस बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हर बंदे के पास नेट की फैसिलिटी तो है नहीं दूसरी बात यह है कि हर बंदे के पास ना तो एडवांस को मोबाइल है ना कोई लैपटॉप है कि वो घर में बैठे बैठे अपना सबक जो देख ले और कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं हैं कि जो घर में बैठ के पढ़ सकें क्योंकि उनका माइंडसेट एक बना हुआ है क्लासेस का और टीचर्स को पता होता है कि किसको कितना मैंने टाइम देना है और कैसे मैंने स्टडी करवानी हर एक का बैलेंस डिफरेंस है यहाँ भी इक्वली बैलेंस लेके बच्चों को ली नहीं बच्चों के तो आप इस हवाले से क्या गाइडलाइन देने चाहिए इसका क्या हाल होना चाहिए? क्वेश्चन यही है कि प्रॉपर SOPs के तहत स्कूल को ओपन जरूर रखें। हाँ ये कर दें कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर दें कि जी शिफ्टिंग में ले आए बच्चों को तो जितने भी SOPs हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट करवा के स्टडी कम से कम कंटिन्यू रखें क्योंकि बाज़ार खुले हैं तो बाज़ारों में कोरोना नहीं आएगा बाज़ार हैं सिनेमा है शादी हॉल्स हैं वहाँ जो आपस में एक दूसरे गुत्थम गुथा कि मिलना जुलना वो उससे ज़्यादा है स्कूल से ज़्यादा तो बाज़ारों में स्कूल में तो SOP ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं बाज़ारों में इतने नहीं हो रहे। सर शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माँ जी? ठीक है अल्लाह माँ जी। अजय कोरोना जी जी वबा है दोबारा एक बार फैल रही है तो बार जी तुम की कहना चाहोगे? ऐसा कह नहीं कर ला तो जिन्हें यकीन है कोरोना यकीन बस गल खत्म हो गई बेटा कोई सिर्फ इन्नी गल दस दियो कि जरा बच्चों का नुकसान हो रहा है पढ़ाइया का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है?
शुक्र अलग। सर एक सवाल है कि जो कोरोना की वबा आजकल जो दोबारा अपने जोरों शोर पे है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के स्कूल जो है बंद कर दिए, लेकिन जलसे जुलूस वगैरह वो वैसे ही चल रहे हैं। स्कूल तो अब उनको चाहिए ना कि मास्क पहने, फलाना टिमकाना ना, कि वो जो अगर तुम कहते हो ना धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, वो तो अपने लिए कर रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहे। स्कूल वो बंद करवा रहे हो, जलसे जारी है, ये तो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल जाती है। और दूसरे नंबर पे सुनने में आया है कि जो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े घर के बच्चे हैं, वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो गरीब गुरबा आवाम है, उनके बच्चे कैसे 15,000 या 12,000 का लैपटॉप लें या इंटरनेट चलाएं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? मैं सारों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं किराए पर रहता हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे, उनके भी परसों छुट्टियाँ हो गई है, अब मैं कैसे नट खोलूँ, कैसे करूँ, मुझे तो खुद नहीं पता, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इसके बारे में? कोई हुकूमत बेचारी क्या करे यार, हुकूमत अकेली और वो पीछे पड़े हुए जो जलसे जुलसों वाले, वो मैं क्या कह सकता हूँ उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। सर ये जो कोरोना की वबा एक दफ़ा फिर बड़े अपने जोरों शोर पे है, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का भी मसला हो रहा है। सवाल मेरा ये है कि बच्चों की पढ़ाई तो उन्होंने बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए, लेकिन जलसे जुलूस अभी भी जारी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? जी ये बहुत ही सीरियस इशू है, इस पे हमें हर बंदे को इंडिविजुअल अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये किसी भी सियासत से हमें बालातर होकर सोचना पड़ेगा कि ये तो एक इतना बड़ा इशू है कि इससे तो हमारी नस्लें तबाह हो सकती हैं, तो इसलिए हर बंदे को इस वबा से नंबर दजमा होने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हर बंदे को एक जिम्मेदार शहरी का किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि इस वबा से हमारी जान छूटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे सवाल है कि ये जो कोरोना की वबा आजकल उसकी शिद्दत फिर जोरों शोर पे है, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन जल्द से जो है ना, नहीं लगता है ना ही अपोजिशन वालों को लगता है ना हुकूमत को लगता है। जो जल्दी बलूचिस्तान के इलेक्शन थे, वहाँ हुकूमत भी कर रही थी, अपोजिशन भी कर रही थी, जब इलेक्शन ख़त्म हो गए फिर कोरोना तेज़ हो गए हैं, ये तो ड्रामा ही लगता है हमें कि अगर हुकूमत को पता है कि ये सीरियस मैटर है तो क्यों जलसे जुलूस करते हैं? पहले उन्होंने खुद किए हैं, आप अपोजिशन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, पहले खुद कुछ जो आप काम ना करो, जो दूसरे भी ना करें, फिर वो जो फर्द साशो कमांड आती है वो करके आ जाती है, अपने कॉर्नर मीटिंग है उधर जलसे हजारों के साथ होते हैं, उनके वजीर जाते हैं उधर, इफ्तिताह उधर कोरोना नहीं है, मार्केटों के बेड़ा घर कारोबार का कर रहे हैं और बच्चों के स्कूल की तालीम का। जी जी सर, मैं इसी के साथ सवाल ऐड करता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस का उन्होंने कहा आगाज करने लगे हैं, कोई ऑनलाइन बकवास है बहन, जो पाकिस्तान में इतना सिस्टम ही नहीं है हमारे इन सिस्टम के पास के जो ऑनलाइन सिस्टम में तालीम दे सके। और सिस्टम के अलावा भी कि जो अमीर का बच्चा है वो तो सिस्टम अफोर्ड कर सकता है, जो गरीब का बच्चा है वो कैसे लैपटॉप लेगा और कैसे नेट पैकेज करवाएगा? अफोर्ड भी चलो वो तो नहीं कर सकता, मगर उसके लिए ऑनलाइन नहीं है, चलो उसको ये होना चाहिए, एक तजवीज़ है कि ऐसा होना चाहिए कि आप होमवर्क हफ्ते में एक दफ़ा टीचर हफ्ते का स्कूल में आएँ और हर बच्चे को बुला के एक एक बच्चे को होमवर्क हफ्ते का दे दें, हफ्ते बाद जाके वो अपना रीचेकिंग करे उसने क्या किया है क्या नहीं किया, हर हफ्ते का उसको सिलेबस दे दें, तो उसको ये हल हो सकता है, बाकी तो कोई हल भी नहीं है, ये तो सिर्फ कोरोना ड्रामा है। बच्चों अपोजिशन जलसे ना करे, हुकूमत के खिलाफ ना निकले, चीज़ें सारा। सर आखिरी सवाल करके ज़्यादा चाहूँगा, मुझे ये बताएं कोरोना है भी कि नहीं है? मगर ये फिर हमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? नहीं मैंने ये अभी खाना खाने आया, मैंने खाना खाने लिया, ये देखें खाना खाने आया हूँ मैं, वो मैंने इसलिए जेब में डाला हुआ है, मास्क है, मगर ये है कि कोरोना हम तो एहतियात करें कि कोरोना शायद है या नहीं है, ये अल्लाह की ज़्यादा जानती है कि पाकिस्तान हमारे गवर्नमेंट पे कोई यकीन नहीं है कि कोरोना, एहतियात करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है एहतियात करो हर चीज़, बल्कि एहतियात हम तो करते हैं, ये लोग खुद नहीं करते, कोरोना तो फैलाते यही लोग हैं, ये लोगों को नहीं है, जलसे जुलूस कर रहे हैं वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे नहीं लग रहे हैं, अपनी तकरीबात में ये कहती हैं कि मास्क पहन के आओ, कोरोना टेस्ट करवा के आओ, और आवाम की फिक्र नहीं है इन सबको, इमरान खान है वो नहीं। सर आपका बहुत शुक्रिया। वो नहीं करते हैं, ये तो सारे करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं चाहूँगा आप मास्क पहन लें, फिर ज़्यादा चाहते हैं आपसे। हमारे चैनल 94 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाइन्टी फोर न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।